वेलकम टू लर्निंग लोकल्स। आज का टॉपिक है केस एंड टाइप्स ऑफ केसेस। सो इंग्लिश में केस के बारे में जानकारी शुरू करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में केस केवल नाउंस एंड प्रोनाउंस का ही होता है, नाउंस एंड प्रोनाउंस का ही होता है। दूसरा, जो ये नाउंस प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश में, इनके डिफरेंट फॉर्म्स का यूज होता है केस के रूप में। नाउंस प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज होता है। और केस का यूज क्यों करते हैं इंग्लिश में, कारण होता है कि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके फंक्शन को दिखाना होता है सेंटेंस में। नाउंस प्रोनाउंस के फंक्शन को दिखाने के लिए कि नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कि पुकारने के लिए कार्य कर रहा है, या अधिकार दिखाने के लिए कार्य कर रहा है। तो किस तरह का कार्य कर रहा है उस तरह के फंक्शन को दिखाने के लिए नाउंस प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया केस के बारे में जानकारी। नाउ टाइप्स ऑफ केसेस की बात करने से पहले एक एग्जांपल है, देखिए मीरा राम डज ही जॉब। यहाँ पे मीरा पुकारने के लिए इस वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो यह जो नाउन है यह वो कैटिव केस का एग्जांपल है। दूसरा राम, राम यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट का यह एग्जांपल है। और फिर जॉब्स, यह ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो यह ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट वाले केस का एग्जाम्पल है। और हीज एक प्रोनाउन है, यह पोजेसिव केस है। तो इस तरह से आप चार जो वर्ड्स देख रहे हैं सेंटेंस में, चार डिफरेंट कार्ड यूज कर रहे हैं और इनमें तीन नाउन है और एक प्रोनाउन है। तो यही है केस। सो अब टाइप्स ऑफ केसेस की बात करते हैं। हिंदी और संस्कृत की तरह इंग्लिश में भी केसेस होते हैं, और इंग्लिश में केसेस के होते हैं चार प्रकार। पहला नॉमिनेटिव केस, जिसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस भी होता है, हिंदी होती है कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, इसका दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस, हिंदी होती है कर्म कारक। और थर्ड वन जो वोकेटिव या एड्रेसिव केस, हिंदी होती है संबोधन कारक। और जो लास्ट है पजेसिव या जेनिटिव केस, हिंदी होती है संबंध कारक। तो इस तरह से चार होते हैं केस इंग्लिश में। मतलब एक तरह से जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट केस। जो ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं ऑब्जेक्टिव, जो पुकारने के लिए यूज करते हैं वो कैटिव या एड्रेसिव करते हैं। और जिनसे अधिकार दिखाने के लिए हमें जिनका यूज करते हैं नाउंस प्रोनाउंस का, वो पोजेसिव केस होते हैं। संक्षेप में बता दिया है, सबका एक एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्लियर। जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होते हैं इसके अंतर्गत वे नाउंस और प्रोनाउंस आते हैं जिनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। मतलब जब नाउंस प्रोनाउंस सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस हो गया। एग्जांपल में देखिए मीरा राइट्स पोएम्स, यहाँ पे मीरा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वर्ड, सो ये मीरा सब्जेक्टिव केस में। देव राइट पोएम्स, यहाँ पे देव ही सब्जेक्टिव केस में। तो एक नाउन का और एक प्रोनाउन का एग्जांपल मिला है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल है कि जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जांपल से पहले एक और बात है कि ऑब्जेक्टिव केस डिपेंड करता है वर्ब किस तरह का है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में तो तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एंग्री एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, सो राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टीचिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, बॉयज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो क्या कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब में टीचिंग में केस जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब तुरंत बाद आ जाएगा। तो राम इज टीचिंग बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज ऑब्जेक्टिव केस हो गया। एंग्री इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब में केस इंटरनेटिव वर्ब में ऑब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो इंटरनेटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन फिर ऑब्जेक्ट, तो ध्यान रखना है आपको, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड वन इज वोकेटिव या एड्रेसिव केस। एड्रेसिव मतलब पुकारना होता है, सो पुकारने के लिए जिनका हम यूज करते हैं उन्हें हम रख देते हैं इसी में। जिस नाउन या प्रोनाउन को हम पुकारने के लिए करते हैं यूज उन्हें रख देते हैं, जैसे कि मीरा डू योर जॉब। यहाँ पर मीरा एक नाउन है, तो यहाँ पे हमने इसे मीरा को यूज किया पुकारने के लिए। ऐसे ही somebody, यह एक प्रोनाउन है, तो कम ही और somebody, तो यहाँ पे हमने somebody को रखा, तो ये हो गया, ये भी हो गया वोकेटिव केस का एग्जाम्पल। और लास्ट वन इज पजेसिव या जेनेटिव केस। आपको बता दूं कि पजेसिव केस से हम पजेशन, पजेशन मतलब अधिकार दिखाते हैं।
तो इसकी सहायता से मतलब जिस ये नाउन प्रोनाउन को हम अधिकार के लिए, इनका ही वर्ड होता है ओनरशिप चाहे बिलोंगिंगनेस, अधिकार को सूचित करने के लिए हम यूज करते हैं उसको कहते हैं हम पजेसिव केस। एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज मिराज का, तो मिराज जो यहाँ पे वर्ड हो गया यह पोजेशन दिखाने के लिए आया है। दिस इज माई बुक, माई भी पजेसिव केस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम सीखेंगे कि नाउन्स का पजेसिव केस कैसे बनाते हैं, और साथ में उसके बाद का लेक्चर होगा प्रोनाउन्स का पजेसिव केस कैसे बनाते हैं।